Assalamu alaikum to all students. Welcome to the class physics. Previous topics में हमने discuss किया था base SI quantities जो हैं और उनकी definitions क्या हैं और उनमें हमने सात definitions हमने complete कर ली हैं. आज हमारे topic है dimension. आज की topic physics में most important topic है. तो चलिए शुरू करते हैं डायमेंशन. डायमेंशन वर्ड आपने सुना होगा पहले भी, क्योंकि डायमेंशन वर्ड की डिफरेंट मीनिंग्स हैं. एक तो हम डायमेंशन यूज करते हैं डायरेक्शन के लिए, जैसे हम कहते हैं कि जो टू डायमेंशनल सिस्टम है, टू डायमेंशनल सिस्टम मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस का एक सिस्टम होता है, और उस वक्त उस डायमेंशन की जो मीनिंग है वो डायरेक्शन. और उसके अलावा हम कहते हैं कि लेट सपोज ये मेरे हाथ में जो मार्कर है, इस मार्कर की डायमेंशंस क्या हैं, इसकी डायमेंशंस मतलब इनकी जो लेंथ विड्थ की उनकी मेजर्स क्या हैं, मेजरमेंट क्या है, लेंथ कितनी है, विड्थ कितनी है, यानी हम उसकी बात कर रहे होते हैं. और लेकिन आज जो डायमेंशन हम पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स में, उसकी कुछ अलग ही मीनिंग है. इसको कैसे डिफाइन करना है डायमेंशन को, तो डेफिनेशन ऑफ डायमेंशन इज द डायमेंशन इज अ टर्म की डेफिनेशन है. डायमेंशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. डायमेंशन इज अ टर्म यूज्ड टू डिनोट द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, कि एक ऐसी सिंबल है जो कि फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बताती है. किस तरह से नेचर बताएगी हम आगे आएंगे. इसकी एक और डेफिनेशन है कि डायमेंशन इज एक्चुअली द रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी इन टर्म्स ऑफ द मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज. इन टर्म्स ऑफ द मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज. डायमेंशन एक्चुअली रिप्रेजेंटेशन है, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को हम शो करेंगे, जाहिर करेंगे किसमें, मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज में. इन टर्म्स ऑफ मेन फंडामेंटल क्वांटिटीज यानी वो बेसिकली कौन सी हैं, जैसे लेंथ कामा मास एंड टाइम. तो आपको याद रखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ लेंथ क्या होता है, एल, कैपिटल एल से शो करते हैं, या फिर आप इसको स्क्वायर ब्रैकेट भी दे सकते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखें. उसके बाद डायमेंशन ऑफ मास के लिए हम कैपिटल एम यूज करते हैं, और उसके बाद डायमेंशन ऑफ टाइम, टाइम का डायमेंशन क्या होता है, कैपिटल टी होता है. तो अब चलेंगे कि डायमेंशन में हम क्या करते हैं. कोई भी हमें फिजिकल क्वांटिटी जब मिलेगी तो हमें उसका फार्मूला मिलेगा, हम उस फार्मूला में देखेंगे कि उसमें लेंथ मास और टाइम क्या उसमें मौजूद है या नहीं. तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की नेचर बताने के लिए हम यूज करते हैं डायमेंशन. क्लियर. अब डायमेंशन के लिए कुछ
की पॉइंट्स हम यहां पर बताते हैं, की पॉइंट्स फॉर डायमेंशन। की पॉइंट्स में सबसे पहले क्या ये है कि डायमेंशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कैपिटल लेटर्स यूज करने पड़ेंगे। नंबर फर्स्ट वन इज डायमेंशंस आर रिटन इन कैपिटल लेटर्स। कैपिटल लेटर जैसे मैंने यहां पर लेंथ के लिए एक कैपिटल एल लिखा है, मास के लिए कैपिटल एम लिखा है और टाइम के लिए कैपिटल टी लिखा है। तो कैपिटल लेटर्स हमें यूज करने हैं। और उसके बाद नंबर सेकंड पॉइंट है, जो फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन सेम होंगे यानी यूनिट सेम होंगे उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। दोज फिजिकल क्वांटिटीज which have same units, they have same dimensions, they have same dimensions। वो physical quantities जिनके यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम लिखें यूनिट ऑफ लेंथ कामा विड्थ कामा हाइट, इन तीनों के यूनिट्स क्या होते हैं, सेम होते हैं, इसलिए का डायमेंशन भी क्या होगा, एक ही होगा यानी एल। यूनिट ऑफ लेंथ विड्थ हाइट कामा रेडियस, रेडियस भी इसमें आ गया, कामा सरकमफेरेंस, सरकमफेरेंस इज सेम। यूनिट ऑफ लेंथ विड्थ हाइट सरकमफेरेंस इन सब का यूनिट क्या होता है, सेम होता है। सो दे हैव सेम डायमेंशन, उनका डायमेंशन सेम होगा और देट इज वो कौन सा होता है, कैपिटल एल होता है। ठीक है, इसलिए हम और एग्जांपल भी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, वर्क का यूनिट न्यूटन मीटर, टॉर्क का यूनिट भी न्यूटन मीटर, इस तरह से जो फोर्स है फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वेट का यूनिट भी न्यूटन होता है। ठीक है, तो इस तरह से जिनके यूनिट सेम होते हैं उनके डायमेंशंस भी सेम होते हैं। नंबर थर्ड की पॉइंट पे चलते हैं, वो फिजिकल क्वांटिटीज जिनको यूनिट नहीं होता उनको डायमेंशन भी नहीं होता। यहां पर हम लिखते हैं no unit no dimension, शॉर्टकट में हमने लिख लिया no unit no dimension। जिन फिजिकल क्वांटिटीज को यूनिट नहीं है उनका डायमेंशन भी नहीं होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल ले सपोज हम यहां पर लिख रहे हैं स्ट्रेन, स्ट्रेस और स्ट्रेन आपने पढ़ा है मैट्रिक में। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया। स्ट्रेन क्या होता है, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ, चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ। यहां पर देखें मीटर मीटर यूनिट कैंसिल हो जाएगा, इसलिए स्ट्रेन को कोई भी यूनिट नहीं होता, इसलिए यहाँ पर स्ट्रेन के लिए डायमेंशन भी नहीं है, स्ट्रेन हो गया। उसके बाद एग्जाम्पल हम लेते हैं रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स को एन से शो करते हैं, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स, रिफ्रेक्टिव इंडेक्स यानी कैपिटल एन से मास से शो करते हैं, और इट इज अ रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट
मीडियम, सी अपॉन सी एम लिखा है मैंने, मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, मतलब दो वेलोसिटीज, दो स्पीड का रेशो है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसी को भी डायमेंशन नहीं होता क्योंकि यूनिट नहीं है। इस तरह एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे है मैग्नीफिकेशन, मैग्नीफिकेशन हम मिरर वाले चैप्टर में या लेंस में पढ़ते हैं, इट इज अ रेशियो ऑफ द क्यू अपॉन पी, इमेज डिस्टेंस अपॉन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, इट इज अ रेशियो, सो इट विल हैव नो यूनिट, इट हैज नो डायमेंशन। इसी तरह म्यू, म्यू क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, इसका अगर हम यहाँ पर लिखें फार्मूला, इट इज अ रेशियो ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन टू द नॉर्मल रिएक्शन, दो फोर्सेस का रेशियो है इसलिए इसको यूनिट नहीं है, तो डायमेंशन भी नहीं होता। नोट कर लें यहां तक। ओके, डायमेंशन की एक और डेफिनेशन भी होती है लेकिन वो हमारे टेक्स्ट बुक में नहीं है, ठीक है, तो वो भी नोट कर लें ताकि कभी अगर आ जाए तो आप बता दें। डायमेंशन की एक और डेफिनेशन ये है कि डायमेंशंस आर दी पावर्स डायमेंशंस आर दी पावर्स आर एक्सपोनेंट्स to which the base quantities are raised, यह भी एक डेफिनेशन है डायमेंशन की। डायमेंशंस आर द powers are exponents to which the base quantities are raised, यानी यहां पर आप देख रहे हैं कि length, mass और time के dimension हमने L, M और T तो लिखे हैं, लेकिन इनके powers क्या है, यहां पर 1, 1, 1, power 1 है, यानी इनके dimensions क्या है, 1, 1, ये भी एक definition है लेकिन ये हमारे टेक्स्ट बुक्स में नहीं है, लेकिन definition है। dimension को इस तरह से भी हम define कर सकते हैं लेकिन यहाँ पर हम इसको follow करेंगे, ठीक है। इस तरह लेट सपोज हम यहां पर लिखें फॉर एग्जांपल डायमेंशन ऑफ एरिया, डायमेंशन ऑफ dimensions are the powers or exponents, dimensions are the powers or exponents to which the base quantities are raised, सपोज हम यहां पर लिख रहे हैं डायमेंशन ऑफ एरिया, एरिया का डायमेंशन, अब देखें एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है, यहां पर लिखेंगे डायमेंशन ऑफ एरिया हम निकालने जा रहे हैं तो इसका फार्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रीथ, तो लेंथ का डायमेंशन भी एल होता है और विड्थ का डायमेंशन भी क्या होता है, एल होता है, तो यानी हम अगर दोनों को मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आएगा, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर, यहां पर लिखते हैं डायमेंशन ऑफ लेंथ इज एल, विड्थ का डायमेंशन भी क्या होता है, एल,
तो हमारा आंसर क्या आएगा, एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो एल का स्क्वायर है 2, इट इज ऑल्सो डायमेंशन, लेकिन हमें डायमेंशन बताना पड़ेगा उस सिंबल के हिसाब से। एल स्क्वायर इज द डायमेंशन ऑफ एरिया। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एल क्यूब हो जाएगा। ये हम आते हैं डायमेंशन पर, तब तक यहाँ तक नोट कर ले। ओके, आपने लिख लिया होगा। फर्दर प्रोसीड कर रहे हैं की पॉइंट्स को। तो डायमेंशन के लिए हमने जो की पॉइंट्स पढ़ी हैं, ये नो यूनिट नो डायमेंशन, लेकिन अगर किसी फिजिकल क्वांटिटी को यूनिट है तो उसको डायमेंशन भी जरूर होगा। यहां पर आते हैं नंबर 4 पॉइंट। If they have, unit, they must have dimension. If they have unit, they must have dimension. Except plane angle and solid angle, जो physical quantities हैं, अगर उनको unit नहीं है तो dimension नहीं है, लेकिन अगर उनको unit होगा तो उनको dimension भी जरूर होगा, except the plane angle and solid angle, यानी इन दोनों को के अलावा। plane angle और solid angle ये दो supplementary quantities हैं, इनको यूनिट है। प्लेन एंगल का यूनिट हमने क्या पढ़ा है, रेडियन। सॉलिड एंगल का यूनिट क्या पढ़ा है, स्टे रेडियन। मतलब इन दोनों को यूनिट है लेकिन डायमेंशन नहीं है। ओके, तो ये नंबर 4-1 रूल आपको याद हो गया होगा। उसके बाद आते हैं नंबर 5th पर। अब नंबर 5th में हम क्या करते हैं कि जो कॉन्स्टेंट नंबर है उनको डायमेंशन नहीं होता। कॉन्स्टेंट नंबर, कॉन्स्टेंट नंबर्स हैव नो डायमेंशंस। जो कॉन्स्टेंट नंबर्स हैं उनको डायमेंशन नहीं होता। कॉन्स्टेंट नंबर में ऑल द रियल नंबर्स, जो भी नंबर्स हैं 1, 2, 3, 4, 3, 4, 83, ठीक है। उसके बाद जो पाए है, पाए कांस्टेंट, ठीक है। इसके अलावा ई है, मैथ में यूज करते हैं, तो इनको यानी दीज आर द नंबर्स, दे विल हैव नो डायमेंशन। उसके बाद हम नंबर 6 पे
इनको डिफरेंशिएट करते हैं। एक फिजिकल क्वांटिटी होती है डायमेंशनल क्वांटिटी, डायमेंशनल क्वांटिटीज या डायमेंशनल वेरिएबल्स। उसके बाद हम आएंगे डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। उसके बाद होते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट्स। उसके बाद होते हैं डायमेंशनलेस कांस्टेंट। ओके, तो इनके एग्जांपल लिख लेते हैं। हमने डायमेंशन को चार कैटेगरीज में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। कौन कौन सी कैटेगरीज हैं? जैसे एक है डायमेंशनल वेरिएबल्स। डायमेंशनल वेरिएबल्स से क्या मुराद है? मतलब जो भी हम फार्मूला, किसी भी क्वांटिटी का फार्मूला पढ़ते हैं, वो सारे डायमेंशनल वेरिएबल, और उनको डायमेंशन भी होना चाहिए। एक तो उनको डायमेंशन होना चाहिए और वो फार्मूला हो। जैसे लेट सपोज फॉर एग्जाम्पल लिख लेते हैं, फोर्स का फार्मूला हमने पढ़ा है एफ इज इक्वल एम इंटू ए। न्यूटन के सेकंड लॉ से अगर आपको याद हो तो एफ बराबर होता है एम ए। या फिर हम कहेंगे कि फोर्स का एक फार्मूला होता है सेंट्रीपिटल फोर्स का, एफ इज इक्वल एम वी स्क्वायर अपॉन आर। यानी फोर्स का डायमेंशन अगर इस फार्मूला से लें या इस फार्मूला से लें, लेकिन ये क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल है, मतलब इसको डायमेंशन है लेकिन ये एक फार्मूला है। इसी तरह हमने काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा है? 1/2 एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला हमने क्या पढ़ा है? एम जी एच पढ़ा है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। ठीक है, तो ये क्या है? ये है डायमेंशनल वेरिएबल्स। इसी तरह अगर हम वर्क का फार्मूला देखें तो वर्क क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। पावर का फार्मूला क्या होता है? वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। तो ये सारे क्या है? डायमेंशनल वेरिएबल है, मतलब इनको डायमेंशन है और ये खुद फार्मूला है। और उसके बाद आते हैं डायमेंशन लेस वेरिएबल, मतलब वो फार्मूला जिनमें डायमेंशन नहीं है, डायमेंशन लेस है। जैसे मैंने अभी बताया आपको, जैसे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो म्यू म्यू से शो करते हैं और इसका फार्मूला क्या होता है? एफ एस अपॉन आर। अभी मैंने लिखा था ये डायमेंशनल वेरिएबल्स में आता है क्योंकि ये एक फार्मूला है और इस फार्मूला के हिसाब से यूनिट कैंसिल आउट हो जाते हैं, डायमेंशन नहीं होता है इसका। उसके बाद हमने मैग्निफिकेशन का फार्मूला क्या पढ़ा? क्यू अपॉन में पी। ये भी एक फार्मूला है लेकिन ये रेशो है सेम क्वांटिटीज का, इनको यूनिट नहीं है इसलिए डायमेंशन भी नहीं है। इसी तरह हमने स्ट्रेन का फार्मूला, स्ट्रेन को इस सिंबल से शो करते हैं, स्ट्रेन इज नोटेड बाय द सिंबल एप्सिलॉन। स्ट्रेन क्या होती है? इट इज अ चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। ये डायमेंशनल वेरिएबल्स हैं, इनको फार्मूला है लेकिन डायमेंशन नहीं है। इसी तरह और भी क्वांटिटीज हैं जिनको हम डिफाइन कर सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने क्या पढ़ा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन बराबर हमने पढ़ा स्पीड ऑफ लाइट इन द एयर मीडियम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अब ये फार्मूला है, इनको डायमेंशन नहीं है। उसके बाद आते हैं डायमेंशनल कांस्टेंट। डायमेंशनल कांस्टेंट मतलब वो डायमेंशनल जो कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट जिनको डायमेंशन होता है। जैसे कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कौन सा है? जैसे कैपिटल जी, कैपिटल जी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट।
इसको कहां से निकालते हैं? फार्मूला से। कौन सा फार्मूला होता है? एफ इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपान में आर स्क्वायर। ये न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे हमने कैपिटल जी निकाला है। तो कैपिटल जी जो क्या है, इट इज अ डायमेंशनल कांस्टेंट, इसको डायमेंशन होता है क्योंकि यूनिट भी होता है। और उसके बाद हम आएंगे जैसे के ईटा, ये है ईटा। ईटा मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। यहाँ पर इसको उसका नाम लिख लेते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, जिसको ईटा से जाहिर करते हैं। ये सिंबल होती है ईटा। अब इस ईटा को हम कैसे निकालते हैं? ईटा को निकालते हैं इस फार्मूला से, एफ इज इक्वल ईटा ए वी अपान में एक्स। ये आपने मैट्रिक में फार्मूला पढ़ रखा है। यहाँ पर हम यहाँ पर फर्स्ट ईयर में पढ़ेंगे फार्मूला स्टोक्स का, वहां से निकालेंगे। ओके, या फिर मैं वो वही फार्मूला लिख लेता हूँ, स्टोक्स लॉ वाला। तो ये फार्मूला क्या है, एफ इज इक्वल सिक्स पाई ईटा आर बी। ये फार्मूला सिक्स पाई कांस्टेंट है, ईटा कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस, वी क्या है वेलोसिटी। तो ये क्या है, डायमेंशनल कांस्टेंट। अब आते हैं डायमेंशनल लेस कांस्टेंट, वो कांस्टेंट जिनको डायमेंशन नहीं है। उसमें क्या आ जाता है, उसमें सारे के सारे जो रियल नंबर्स है, ऑल द रियल नंबर्स, वन टू वन, टू वन बाय टू, थ्री बाय टू, माइनस प्लस, जो भी नंबर आ जाए, नंबर को डायमेंशन नहीं होता। और उसके अलावा ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज, ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशोज हैं, ये भी डायमेंशन लेस क्या है, कांस्टेंट। इनको भी यूनिट नहीं होता। साइन थीटा कॉस थीटा सुना है ना, साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा, इनको डायमेंशन नहीं होता। ओके, तो चलिए अब हम कुछ डायमेंशन के एग्जांपल ले लेते हैं। लेट सपोज कुछ डायमेंशन, लेट सपोज यहां पर आते हैं एरिया का डायमेंशन। एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू विड्थ होती है। अब यहां पर लिखते हैं कि एरिया के लिए हमें एरिया का अगर डायमेंशन चाहिए तो उसको स्क्वायर ब्रैकेट में बंद कर सकते हैं। कैसे? इस तरह से स्क्वायर ब्रैकेट में हमने इसको बंद किया, मतलब डायमेंशन ऑफ एरिया हम बताने जा रहे हैं। इसका फार्मूला लेंथ इनटू ब्रीथ है, तो इसको हमने बंद कर दिया इससे स्क्वायर ब्रैकेट। अब लेंथ का डायमेंशन क्या लिखना है, एल, और विड्थ का भी एल, एल इंटू एल, ये क्या हो गया, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर, डायमेंशन ऑफ एरिया इज एल स्क्वायर। चाहे तो इसको आप स्क्वायर ब्रैकेट में बंद करें, ना करें तो भी ठीक है, गलत नहीं। नंबर सेकंड वन, वॉल्यूम। वॉल्यूम यानी वॉल्यूम का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट। तो यहां पर लेंथ के लिए एल, ब्रीथ का भी एल, वॉल्यूम हाइट का भी एल, तो क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम। इसी तरह डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी अगर बात करें, वेलोसिटी का फार्मूला डिस्प्लेसमेंट इन चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन चेंज इन टाइम। तो इसके लिए डिस्प्लेसमेंट के लिए एल डायमेंशन और टाइम का कैपिटल टी, एल अपॉन टी, टाइम को ऊपर ले जाएं तो ये एल टी इनवर्स हो जाएगा। बिल्कुल वैसे ही नंबर फोर, एक्सीलरेशन का डायमेंशन, एक्सीलरेशन फार्मूला क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी इनवर्स, अभी हमने पढ़ा, अपॉन टाइम का डायमेंशन टी। तो इस टी को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एल टी पावर माइनस टू हो जाएगा। नंबर फिफ्थ वन, डायमेंशन ऑफ फोर्स। अगर फोर्स का डायमेंशन अगर हम बताना चाहेंगे तो एफ इज इक्वल टू क्या है, एम ए,
एम ए, अब फोर्स के लिए एफ इक्वल एम ए, तो मास का डायमेंशन क्या होता है, एम कैपिटल, और एक्सेलरेशन का हमने अभी पढ़ा, मास का एम, एक्सेलरेशन का ए टी पावर माइनस टू, ये फोर्स का डायमेंशन है। इस तरह नंबर 6-1, अगर हम डेंसिटी का डायमेंशन निकालना चाहें तो डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, रो बराबर होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, फार्मूला हमने पढ़ा है। तो मास का डायमेंशन एम, वॉल्यूम का डायमेंशन, वॉल्यूम का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा, एल क्यूब, एम अपॉन एल क्यूब, एल क्यूब को ऊपर ले जाएं तो इस तरह लिख सकते हैं एम एल पावर माइनस, ये कुछ डायमेंशन है, नोट कर ले। फ्री आवाज उही कैच कर आखिर में क्वेश्चन ओके, तो आपने लिख लिया होगा। अब मैं डायमेंशंस आपसे पूछे जा रहा हूं, आप बताएंगे डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज। यहां पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं, शाबाश, मुझे डायमेंशन निकाल के दिखाएंगे आप, कमेंट में बताएं या वॉइस में बताएं। तो नंबर 7-1, डायमेंशन ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम का फार्मूला याद हो आपको या मैं लिख लेता हूं, पी बराबर होता है एम इंटू वी, मोमेंटम को पी से जाहिर करते हैं, मोमेंटम पी बराबर होता है मास इंटू वेलोसिटी। अब इसका मुझे डायमेंशन बताएंगे कमेंट में, शाबाश, इसको आ रहा है वो मुझे कमेंट में डायमेंशन बताएगा। मुदस्सिर महदी, दोबारा से ट्राई करें बेटा, और शमन अली ने भी सही नहीं दिया, इरम ने सही जवाब दिया है, अक्सा बतूल का आंसर भी सही है, और हसन नवाज का भी आंसर सही है।
जवाब सोलंगी, ओके शाबाश मुदसर, अभी सही है आपका। अली रजा, सही नहीं है बेटा। अवेश अहमद, ओके। ठीक है, तो बच्चों ने जवाब दिए हैं माशाल्लाह, तकरीबन सही है। तो देखें मोमेंटम के लिए बेटा, मास और वेलोसिटी का डायमेंशन, मास का हमने कैपिटल एम पढ़ा और वेलोसिटी का लिखा हुआ है देखें एल टी इनवर्स, उनको मिला के रखना है बस। मोमेंटम के लिए मास इंटू वेलोसिटी, मास का डायमेंशन और वेलोसिटी का डायमेंशन। मास के लिए क्या रखना है कैपिटल एम और वेलोसिटी के लिए क्या रखना है एल टी इनवर्स, या कुछ बच्चों ने एल अपॉन टी भी रखा है तो भी सही है, या ऐसे लिखें एम एल अपॉन टी, ये भी सही है, लेकिन इस तरह से लिखें तो ज्यादा सूटेबल है। और उसके बाद नंबर एट वन डायमेंशन आप मुझे बताएंगे वर्क का। वर्क का फार्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, क्या बात, इसका डायमेंशन मुझे निकाल के दें। वर्क का डायमेंशन निकालें शाबाश, कमेंट में बताइए। हरिया जुबेर चन्ना, जुबेर का ठीक है शाबाश। और जुबेर चन्ना ओके शाबाश। मुदसर महदी का भी सही है शाबाश। अक्सा बतूल का आंसर भी, आंसर थोड़ा सा, हाँ अक्सा बतूल का ठीक है। अली सलमान, सलमान का सही नहीं है बेटा। और अवेश ने भी सही नहीं किया, बाकी इरम का सही है शाबाश। और रिदा बतूल सही है। सराज ओके, सराज कैपिटल टी यूज करनी है डायमेंशन में। उजमा शेख का सही है शाबाश। ओके आंसर देते जाएं देते जाएं देते जाएं। डायमेंशन ऑफ वर्क तो तकरीबन आंसर सही है, फोर्स का डायमेंशन। अब फोर्स का डायमेंशन यहां से देख के लिखें डायरेक्ट एम एल टी पावर माइनस टू तो भी सही है, अगर उसको दोबारा से निकालें तो भी ठीक है। फोर्स के लिए क्या रखना पड़ेगा, मास इंटू एक्सीलरेशन। फोर्स क्या होता है एफ इज इक्वल एम ए, और डिस्प्लेसमेंट के लिए डी। अब इनके डायमेंशन रखेंगे तो मास का डायमेंशन एम कैपिटल, एक्सीलरेशन का एल टी पावर माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट का एल। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा, एम एल इंटू एल एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू डायमेंशन ऑफ वर्क। इसी तरह मुझे डायमेंशन निकाल के दें पावर का। पावर का फार्मूला आता है आपको, पावर क्या होता है वर्क डन पर यूनिट टाइम, वर्क डन पर यूनिट टाइम होता है। पावर का फार्मूला कमेंट में बताएं शाबाश। पावर का फार्मूला मुदसर महदी ने मिस्टेक कर दिए, और जवाद सोलंगी सही बताया, शाबाश जवाद का सही है। मासूमा, मासूमा का टी इनवर्स नहीं। और उम्मे कलसूम शाबाश। अली सलमान मिस्टेक कर ली अली सलमान ने। रिदा बतूल सही है। इरम का सही नहीं है, इरम ने मिस्टेक कर लिए। जुहेब भिलार का सही है शाबाश। अक्सा बतूल ओके। कायनात शाबाश। फिरा शेख ने थोड़ी मिस्टेक किए। यास्मी नवाज सही है शाबाश। मोहम्मद हसीब गलत है बेटा, मोहम्मद हफीज, मोहम्मद हसीब ने गलत किया है। अवेश की मिस्टेक है। गौतम का सही है। जुबेर चन्ना शाबाश। मेरी मारी सिंधु उसका हाँ मल्टीप्लाई तो करो मारी। और शमन अली का थोड़ा बहुत इधर उधर है। और खैर मोहम्मद ने सही नहीं किया। आदिल अब ये मिस्टेक कर लिए पावर में, पावर के डायमेंशन में बहुत सारे बच्चों ने मिस्टेक कर लिए, तो देखें ध्यान से देखना पड़ेगा। अब हमने वर्क का तो निकाल लिया है, ये डायरेक्ट रखें तो भी ठीक है, अदरवाइज को
यहाँ पर हम वर्क के लिए डब्ल्यू डब्ल्यू वर्क का फार्मूला और टाइम का डायमेंशन। अब वर्क का डायमेंशन डायरेक्ट अगर रखें तो एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस टू, ये वर्क का अपान टाइम है। अब यहाँ पर कुछ बच्चों ने कैंसिल कर दिया है, कैंसिल नहीं होगा, कैंसिल तब होता है जब पावर्स की निशानी सेम होती है। यहाँ पर टी को ऊपर ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर टी पावर, ये पॉजिटिव है, ऊपर गया तो नेगेटिव हो जाएगा, नेगेटिव वन और नेगेटिव टू जोड़ करके यहाँ पर एड करके यहाँ पर लिखेंगे माइनस थ्री। तो ये डायमेंशन सही है जिनका है, बाकी गलत है, एम एल स्क्वायर टी पावर माइनस थ्री। इसी तरह मुझे नंबर टेंथ डायमेंशन बताएंगे प्रेशर का। प्रेशर का क्या होता है फार्मूला? प्रेशर जो होता है इट इज अ फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स का डायमेंशन बताएं, शाबाश। और उसके बाद मुझे इस कैपिटल जी का भी डायमेंशन निकाल के दें, जैसे कि फार्मूला आपने पढ़ा कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू अपान आर स्क्वायर। जी का भी डायमेंशन देखें कौन बताता है, प्रेशर का और इस कैपिटल जी का डायमेंशन बताएं, शाबाश। हाँ जुबेर चना का सही है, शाबाश जुबेर का, ठीक है। और अक्सा बतूल का भी ओके, शाबाश सही है। जहे भेला ने मिस्टेक किए, हसन अबड़ो ने सही नहीं किया, रिदा बतूल का ठीक है, अली सलमान शाबाश, शमन अली सॉल्व करें बेटा इसको, अदील अदील का ओके, असनैन सोलंगी गलत है, असनैन का, गौतम गलत है, मारी मारी का, मारी सॉल्व करो इसको, मारी आयशा का गलत है, और हाँ आंसर देते जाएं शाबाश, आंसर देते जाएं। पूरो ये क्वेश्चन है, अरे भी चांद हो। ओके बेटा टाइम ओवर हो गया है, किसी को कोई सवाल है क्वेश्चन है तो पूछ सकता है, हरी अब शाबाश। बाकी मैं यहाँ पर इनको करने जा रहा हूँ प्रेशर का, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछे, प्रेशर का मैं यहाँ पर डायमेंशन लिख रहा हूँ। प्रेशर का डायमेंशन फार्मूला क्या है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का डायमेंशन हमने क्या पढ़ा, एम एल टी पावर माइनस टू होता है, अपान एरिया का डायमेंशन क्या पढ़ा, एल स्क्वायर। अब इनको थोड़ा सॉल्व करें तो ये एल, यहाँ पर एल पावर वन बचेगा, इस एल को ऊपर ले जाएंगे तो एल इनवर्स हो जाएगा, तो ये एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू, एम एल इनवर्स टी पावर माइनस टू डायमेंशन ऑफ प्रेशर। डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें क्या होता है डायमेंशन इसका। तो पहले फार्मूला को सेट करें, आर स्क्वायर को इधर ले जाएं, एफ इंटू आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल जी इंटू एम वन इंटू एम टू। अब जो मासेस हैं इनको भी नीचे ले जाएं लेफ्ट हैंड साइड पर, तो एफ इंटू आर स्क्वायर अपान एम वन इंटू एम टू इक्वल टू कैपिटल जी। अब यहाँ पर ये हमें रखना पड़ेगा डायमेंशन ऑफ कैपिटल जी फाइंड करना है, और फोर्स का डायमेंशन हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा आर स्क्वायर का डायमेंशन अपान मास वन एम वन इंटू एम टू। अब ये डायमेंशन आपको आने चाहिए, फोर्स का क्या होता है, एम एल टी पावर माइनस टू, और यहाँ पर डिस्टेंस आर क्या है, डिस्टेंस है, इसका स्क्वायर करना है तो एल स्क्वायर हो जाएगा अपान में एम वन एम टू, यानी एम इंटू एम, मास का एम होता है तो दो है तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये एक मास क्या हो जाएगा, कैंसिल, एक एम बचेगा, ऊपर ले जाएंगे एम इनवर्स हो जाएगा, एल इंटू एल स्क्वायर क्या हो जाएगा, एल क्यूब हो जाएगा, और टी पावर माइनस टू हो जाएगा। ये है डायमेंशन ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम इनवर्स एल क्यूब टी पावर माइनस टू। जिसने किया है वो सही है। ओके अब कोई सवाल है तो पूछें,
मुझे कल इसका एफ इक्वल टू 6 पाई ईटा आर वी, यहाँ पर एफ क्या है 4 से, यहाँ पर आपको डायमेंशन फाइंड करना है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ईटा, ईटा जो है वो उसका क्या है नाम, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, इसका यूनिट आप डायमेंशन बताना है, एफ 4 से, 6 पाई तो कांस्टेंट है, आर जो है वो रेडियस होता है और वी है वेलोसिटी। ये आपका होमवर्क, एनी क्वेश्चन? माइक ओपन करें अपने, हेलो सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ये जो आपने बताया कि डायमेंशन होती हैं वो नेचर बताती हैं सब, मतलब के फंडामेंटल जो बेस क्वांटिटीज होती हैं उनकी। हाँ हाँ सर, ये थोड़ा नेचर समझाएं, ये नेचर कैसे, मतलब एल का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन एल है जो, इसकी नेचर कैसे बता रहा है सर? देखो इधर, नेचर ऐसे बता रहा है कि यहाँ पर प्रेशर, प्रेशर का हमें डायमेंशन, मतलब प्रेशर में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी शामिल है, प्रेशर में लेंथ है, प्रेशर में मास है, या प्रेशर में टाइम है या नहीं है, तो मुझे बताओ है या नहीं है, कैसे पता चलेगा? देखो डायमेंशन क्या निकाला है, मास एम है ना मुझे, मतलब इसमें मास है, लेंथ भी है, लेंथ भी है और टाइम का डायमेंशन भी है, मतलब टाइम भी शामिल है, प्रेशर में तीनों ही फंडामेंटल क्वांटिटीज शामिल है, ये उनकी हमें नेचर का पता चल गया। किसी किसी में नहीं भी है, जैसे लेट सपोज हमने पहले पढ़ा एरिया, एरिया का डायमेंशन क्या होता है, एल स्क्वायर, एल स्क्वायर में मतलब लेंथ शामिल है, उसमें कोई भी मास और टाइम नहीं। और सर अगर जिनके फातिमा सर रेजिस्टेंस का क्या होगा, डायमेंशन रेजिस्टेंस का डायमेंशन? जी जी सर। हाँ, रेजिस्टेंस के लिए हमें इलेक्ट्रिकल क्वांटिटीज के डायमेंशन आने चाहिए, जैसे कि रेजिस्टेंस के लिए हमें ओम्स लॉ से निकालना पड़ेगा, वी इज इक्वल टू आई आर, और यहाँ पर करंट का डायमेंशन याद रखें, ए यूज करते हैं, कैपिटल ए, करंट के लिए क्या डायमेंशन यूज करते हैं, कैपिटल ए, बाकी जो वोल्टेज है वी, इसका भी डायमेंशन निकालना पड़ेगा, वोल्टेज का फार्मूला आपने मैट्रिक में पढ़ा है, क्या है, वोल्टेज होती है वर्क डन पर यूनिट चार्ज, सही है, तो यहाँ से हमने वर्क का और चार्ज का डायमेंशन रखना है और इनको सॉल्व करना है, इसमें पुट करना है, करंट का भी पुट करके आर का निकालना है, अब हो जाएगा? ओके सर, थैंक यू। ओके प्रिया शेख, हेलो सर। जी जी सर, आप वर्क का रिपीट तो करें, फार्मूला मुझे, डायमेंशन मुझे समझ नहीं आ रहा था। वर्क का जी जी, वर्क का फार्मूला होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जी और जी, फोर्स की जगह हमने उसका फार्मूला रखा है मास इनटू एक्सीलरेशन, सही, और डिस्प्लेसमेंट डी सेम रखा है, अब यहाँ पर रखेंगे मास के लिए एम, एक्सीलरेशन के लिए एल टी पावर माइनस टू और डिस्प्लेसमेंट का एल, फिर उनको मल्टीप्लाई किया है एल इंटू एल, एल स्क्वायर, ठीक है सर। जी जी, ओके, टाइम इज ओवर, थैंक यू बेटा, कल कंटिन्यू करेंगे, खुदा हाफिज़।